मोर डिलीशियस रेसिपी सब्सक्राइब सारस किचन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं साराज किचन और आज अपने किचन में मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ही मज़ेदार हम भुना हुआ गोश्त बनाएंगे जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भुना हुआ गोश्त जो हम बनाएंगे इसके लिए यहाँ पर मैंने मटन लिया है 3 पाव, किसी भी पार्ट का आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर दही है मेरे पास, 1/2 प्याली इसमें दही की जाएगी। लहसुन अदरक की पेस्ट इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून भर के। लीमू का जूस जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। यहाँ पे कुछ मसाले हैं, नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1/4 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, भुना पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून, और यहाँ पे ये मेरे पास बिहारी कबाब का मसाला है, ये इसमें आपने ज़रूर डालना है, इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये इसमें 1 टीस्पून भर के जाएगा। बाकी ये के मसाले जो हैं ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं, ज़्यादा डालना चाहें तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें। तो चलिए अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं 1/2 कप ऑयल का डाल दूँगी। आप इसमें घी डालना चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें ऑयल लिया है 1/2 कप। अब इसमें ये लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबल स्पून ये डाल देंगे। इसको थोड़ा सा चलाऊंगी इसमें और साथ ही इसमें मैं मटन ऐड करूंगी। अब इसमें मटन ऐड करेंगे, लहसुन को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, इसमें मैंने बस थोड़ा सा इसको चला दिया। अब इसको हम तेज़ आंच पे भूनेंगे अच्छी तरह से, जब तक कि ये जो गोश्त का पानी है ये ड्राई ना हो जाए। इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे। आंच को आपने तेज़ ही रखना है। गोश्त हमारा यहाँ पे भून रहा है, जो सबसे अहम चीज़ थी प्याज वो मैं आपको बताना ही भूल गई, मैंने काट के साइड पे रखा हुआ था। एक मैंने इसमें मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक काट के रखा हुआ है, ये भी अभी मैं इसमें डालूंगी, तो ये मैं आपको बताना भूल गई थी, तो ये आप ज़रूर ऐड करें इसमें। तो यहाँ पे गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। अब इसमें मैं ये प्याज डाल दूंगी। प्याज डाल के इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट भूनेंगे। तो आप प्याज के साथ ही इसमें मैं ये 3 मसाले डालूंगी, 3 से 4, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, बिहारी कबाब वाला मसाला और ये ज़ीरा भुना हुआ, ये मैं इसमें अभी डाल दूंगी चारों चीज़ें। काली मिर्च जो है वो एंड में शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, 2 मिनट तक इसको भूनूंगी मैं। अब यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है प्याज के साथ और मसालों के साथ। अब मैं इसमें 2 ग्लास पानी के ऐड करूंगी और इसको प्रेशर कुकर लगाऊंगी। अगर आप इसको प्रेशर कुकर नहीं लगा रहे तो आप इसको तकरीबन 3 ग्लास पानी डाल के और हल्की आँच पर गलने के लिए छोड़ दें। जब आपका गोश्त गल जाएगा तो फिर बाकी काम करें। तो अब मैं इसको तकरीबन 12 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाऊंगी।
अब यहाँ मैंने गोश्त को तकरीबन 12 मिनट के लिए कुकर लगाया था, तो गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसको थोड़ा सा, इसमें अभी थोड़ा सा पानी है तो इसको हल्का सा भूनेंगे पहले। अब इसमें मैं ये दही ऐड कर दूंगी जो मैंने रखी थी आधी प्याली दही की, इसको मैंने अच्छी तरह से बीट किया है। दही ऐड करके आंच को हम तेज़ करेंगे और तेज़ आंच पे हम इसको भूनेंगे। नींबू का रस भी इसमें डाल दूंगी अभी 1 टेबल स्पून। अब इसको हम तेज़ आंच पे भूनते जाएंगे। दही का पानी हम थोड़ा सा खुश्क करेंगे इसमें और इसको भूनते जाएंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें मैं ये हरी मिर्चें और काली मिर्च जो हमने रखी थी 1/2 टीस्पून, ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा अदरक भी डाल देंगे। और अब इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। और हमारा भुना हुआ गोश्त जो है बिल्कुल बन के तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार भुना हुआ गोश्त बन के तैयार है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।